वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ विजिटॉन नंबर 10। आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च। मैं आपको बहुत टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं, कैसे करके आपको अपना अगला विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। विनिंग प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो वो ऐसा है, जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, यू ट्राई टू फाइंड योर ऐसा वाला प्रोडक्ट आउट ऑफ द पूल ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपके लिए, आपके स्टोर के लिए विनिंग प्रोडक्ट हो। अब ऐसे होते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, हो सकता है वो कुछ दिन आपके लिए विनिंग रहे, उसके बाद डाई आउट कर जाए, हो सकता है कुछ हफ्ते, हो सकता है कुछ महीने, कई लोगों के लिए कुछ सालों तक भी वो विनिंग प्रोडक्ट रहते हैं अगर वो उसको क्रिएटिवली अपने एड्स वगैरह को मॉडिफाई कर करके ओवर टाइम उसको बढ़ाते रहते हैं। बट विनर विनर होता है, हम सब विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के गेम में ही है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रिसर्च से ही पूरी गेम शुरू होती है, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या फिर हम सब कुछ नहीं बेच सकते। ऐसा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स? एक होता है नीश बेस्ड प्रोडक्ट्स, यानी जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, अगर आपने कुर्ती का स्टोर बनाना है तो आप ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट रिसर्च करोगे अराउंड कुर्तीज, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस, ओवरसाइज शेप्स एंड क्या क्या कट्स के थ्रू होते हैं, तो वो सब आपके होंगे प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया। तो दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट प्लेस में एंड जो इम्पोर्ट होते हैं चाइना से सेल होने के लिए। तो मैन्युफैक्चर वो चाइना में होते हैं, सेल वो इंडिया में होते हैं, हम ओप्पो फोन्स की बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो होते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स, यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। अब ऐसे है कि मेड इन इंडिया में बहुत टाइप के आइटम्स होते हैं गाइस, मेटल के भी आइटम्स होते हैं, कपड़ों के आइटम्स भी होते हैं, कई सारे इंपोर्टेड वाले जो सामान होते हैं वो भी लोकली डोमेस्टिकली बनने लग जाते हैं इंडिया में। बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, और आपको बस ढूंढना है कैसे टाइप की चीज आप सेल करना चाहते हो। और जो चौथा टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है कॉम्बोज, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे क्या होता है, फेस सीरम है कोई, वो आपने सेट ऑफ 3 करके सेल करने लग गए, या फिर कोई 3 टी शर्ट है, कॉम्बो सेट ऑफ 3 बन गया आपका, या फिर हो गया लेदर बेल्ट वॉलेट वॉच का एक कॉम्बो सा बन गया है, ठीक है। जो भी ये कॉम्बोज बन जाते हैं ना, जो बहुत टाइप के कॉम्बोज हो सकते हैं, एक ही आइटम के मल्टीपल यूनिट्स या फिर एक ही टाइप ऑफ आइटम्स को कंबाइन करके पैक सा सेट सा बन जाता है, वो भी बहुत सही होता है, क्योंकि वो बहुत सही डील सा पता लगता है। क्या क्राइटेरिया है अपने पास प्रोडक्ट सिलेक्शन का? हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले कुछ कुछ चीजों का तो ध्यान रखेंगे ना, तो वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर अनिल कपूर फोन को स्क्रोल कर रहा होगा और फेसबुक पे, और उसको एक प्रोडक्ट दिखेगा और अगर वो बोले झगास, मतलब वो प्रोडक्ट ऐसा है जो हमें बेचना चाहिए, इसको हम बोलेंगे झगास फैक्टर, ठीक है। और वो अनिल कपूर की जगह आप भी हो सकते हो, आपको बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने जो स्क्रोल स्टॉपर टाइप के हो, कि जो बस देख के बंदा बोले यार ये मस्त है यार। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी ऐसा क्राइटेरिया है जो हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जो लाइफस्टाइल वाले जो जैसे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे अगर कोई यूटिलिटी नहीं हुई है, मतलब उनका कोई एक्चुअल यूज नहीं है, मान लो कोई पायल खरीदता है छनछन वाला, तो फिर वो जो पायल है वो उसका यूटिलिटी, मतलब वैसे तो आवाज करेगा छनछन वो, बट वैसे एज सच कोई यूटिलिटी नहीं है, वो बस शो एंड ब्यूटी और वो सब चीजें हैं, उनको भी आप यूटिलिटी टर्म दे सकते हो, ब्यूटी वगैरह, बट एक्चुअल यूज जैसे होता है ना कि हमारे यूज काम आ रहा है हमारी जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वैसे टाइप का नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूटिलिटी वाले आइटम्स पे क्राइटेरिया है ही अगर वो करता है, लेकिन अगर नहीं भी करता लेकिन उसका झकास फैक्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है बॉस, फिर वो भी चलेगा। अगला जो क्राइटेरिया है गाइस वो है ऑडियंस। अब ऐसे है कि मैं टिपिकली ट्राई करता हूं कि ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनका ऑडियंस बहुत सारा ब्रॉड है, ठीक है, बहुत नीश, बहुत नैरो, बहुत ही छुटकू सा ऑडियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है, और अगर 4-5 कॉम्पिटिटर्स आए आपके वो सेम प्रोडक्ट को लेके, फिर अचानक से सैचुरेशन तो और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ट्राई टू फाइंड प्रोडक्ट्स जो बहुत मास अपील हो, जिनका जो सबके ही काम है, किचन का आइटम है जो हर एक लाइक होम मेकर या फिर कोई शेफ है या कोई कुक है, होम कुक, मतलब सबके ही काम आए वो। जैसे मान लो आपका एग्जांपल देता हूँ, आपने एक नाइफ निकाला जो सिर्फ और सिर्फ 5-स्टार के शेफ्स ही अफोर्ड कर सकते हैं और वही खरीद सकते हैं, किसी और के काम का भी नहीं है वो, वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स ना करो आप। अगला जो क्राइटेरिया है वो होगा अमेज़न का रिव्यूज एज वेल एज प्राइसिंग। अब ये भी एक ऐसा इफी सा क्राइटेरिया है, लेकिन डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हो ना,
ना, उसके Amazon रिव्यूज आप जाके देखोगे और उसका प्राइसिंग देखोगे Amazon के ऊपर क्या है। अब ऐसा होता है कि स्पेशली जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपके Amazon पे लाइक बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सिमिलर सी फोटोग्राफी होगी और प्राइस पॉइंट्स बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। आप क्या देखना चाहते हो ना, आप लार्जली कस्टमर के रिव्यूज क्या है अराउंड द प्रोडक्ट वो देखना चाहते हो। अगर कोई प्रोडक्ट के सिर्फ एक या दो ही Amazon लिस्टिंग्स हैं और उसका 3-star रेटिंग है मान लो अमंग 10 रिव्यूज, फिर आप इग्नोर करो। लेकिन अगर आपके पास मान लो एक ही प्रोडक्ट के 10 सेलर्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज या थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज उस प्रोडक्ट के, और वो 2.5-star है, 3-star है, वैसे टाइप का है, तो मैं थोड़ा उसको लेके सोचूंगा कि यार ये शायद वो प्रोडक्ट ही कामयाब नहीं है, इसीलिए इसके रिव्यूज खराब है, तो मैं क्या करूंगा इसको बेच के, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं इसको अपने साथ एसोसिएट करके। तो इससे कि एक अच्छा सा फिल्टर सा बन जाता है आपके दिमाग में कि आपको टेस्ट भी नहीं करना पड़ा प्रोडक्ट, उससे पहले आपको पता लग गया कि क्वालिटी कैसा है प्रोडक्ट का और लोगों को वो पसंद आ रहा है कि नहीं एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। इससे आपको एक और चीज पता लगता है कि क्या प्राइसिंग आप रख सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा, देखो Amazon और हमारे जो स्टोर्स होते हैं उनका बहुत डिफरेंस होता है, आप समझने की कोशिश करो। Amazon पे जब कोई शॉप करते हैं, इट इज ऑलवेज अ रेस टू द बॉटम, क्योंकि Amazon इज अ सर्च प्लेटफॉर्म। अगर किसी को गार्लिक चॉपर खरीदना है, Amazon पे वो गार्लिक चॉपर सर्च करेगा, 50 सेलर्स आ जाएंगे, गार्लिक चॉपर सेम ही डिजाइन सा होता है देखने में, और बस प्राइस को लेके बंदा डिसाइड करता है। तो Amazon में जब बाइंग होता है ना, इट इज ऑलवेज लाइक कितना प्राइस किसका कम है, मतलब इवेंचुअली उस बात पे आ जाती है। हम लोगों का जो शॉपिंग सिस्टम है ना, जो कस्टमर्स हमारे साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसमें प्राइस कंपैरिजन रेयरली होता है। अब ऑब्वियसली कस्टमर को बहुत ज्यादा एफर्ट करना होता है फॉर प्राइस कंपैरिजन। अगर वो हमारे साइट पे प्रोडक्ट देखे, फिर उसके बाद वो कोई ऐप और खोले या फिर कोई वेबसाइट और खोले, वहां पर से वो सर्च करने की कोशिश करे, तो ऐसे करके हमारा प्राइस कंपैरिजन शुरू होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स आपके वैसे नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से जो Amazon वाले, दैट इज याद रखना, रेस टू द बॉटम, कितना आप कम प्राइस के ऊपर कर सकते हो, हमने वो वाली गेम नहीं खेलनी, हमने मार्जिन वाला गेम खेलना है। तो इसलिए आप याद रखना, जो Amazon पे प्राइसिंग है, हमने वैसे टाइप की प्राइसिंग नहीं रखनी, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे इसी एपिसोड के अंदर। मैं आपको एक शीट देने वाला हूं जहां पर एक कैलकुलेटर आपके पास होगा, जहां पर आपको इंस्टेंट पता लगेगा क्या प्राइसिंग आप रख सकते हैं प्रोडक्ट्स की। गाइस, तो आज हम इस पार्किंग लॉट में क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना है। क्राइटेरिया हो गया, टाइप्स हो गए, बट प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहां से अपने को। देखो, पहले क्या करता हूं ना, मैं फेसबुक पे जाता हूं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं ब्राउज करने लग जाता हूं, ठीक है। मेरे को ना बहुत सारे प्रोडक्ट दिखने लग जाते हैं, जैसे स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं यार, हमने भी तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करना है, तो बाकी लोग भी कर ही रहे हैं। तो आप एक घंटा ब्राउज करते रहोगे, आपको 2-4 प्रोडक्ट दिख सकते हैं अगर आपने कभी भी ऐसे एड्स नहीं देखे जिंदगी में। बट जैसे आप क्लिक करोगे ना उन एड्स के ऊपर, क्लिक करके ऐड टू कार्ट करोगे, इनिशिएट चेकआउट करोगे, तो अचानक से आपको और भी एड्स दिखने लग जाएंगे बाकी ड्रॉप शिपिंग साइट्स के, बाकी स्टोर्स के, बाकी प्रोडक्ट्स के। तो ऐसे करके आपके दिमाग में ऑप्शन आते रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझे जब भी कोई ऐड पसंद आता है ना, तो मैं उसको ना सेव कर लेता हूँ। फेसबुक के अंदर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसको सेव कर सकते हो, इंस्टाग्राम के अंदर भी सेव कर सकते हो। फिर बाद में मैं रेफरेंस कर सकता हूँ उन एड्स को अपने हिसाब से देखने के लिए कि अच्छा ये वाले वो एड्स थे, फिर उनको एक साथ में जाके एनालाइज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कौन से स्टोर्स थे, क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें। अब एक और चीज़ है, इससे आपको नॉट ओनली लाइक प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगता है, बट आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता लग जाते हैं। मान लो कि पेज है जिसका नाम है बूगी वूगी, ठीक है, और वो बूगी वूगी पेज मान लो गार्लिक चॉपर एडवर्टाइज कर रहा है, तो अपन को क्या करना है, अपन को फेसबुक एड्स लाइब्रेरी वाले टूल पे जाना है, वहां पर बूगी वूगी डालना है अंदर, और वहां से अपने को दिख जाएगा कि बूगी वूगी के क्या क्या एड्स चल रहे हैं अभी करेंटली। पता लगता है गार्लिक चॉपर के साथ 6 और आइटम बेच रहे हैं, अपने को वो 6 आइटम भी पता लग जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस यहां से शुरू होती है। और फिर क्या होता है, जब आपको कोई प्रोडक्ट मिल गया मान लो, और आपने पहली बार मान लो वो प्रोडक्ट देखा है, फिर आप क्या कर सकते हो, आप गूगल सर्च कर सकते हो उस प्रोडक्ट टाइटल को, और वहां से आपको और कॉम्पिटिटर मिल जाते हैं गूगल सर्च के बाद, जो उस सेम प्रोडक्ट को कर रहे हैं, वहां से फिर उनको एड्स लाइब्रेरी में डाल के देख सकते हो उनके करेंटली एडवर्टाइजिंग किस किस चीज को लेके हो रही है। फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर एड की लिस्टिंग के साथ में आपको ये भी दिखेगा एक्टिव सिंस व्हेन, और वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जब आप उस डेट को ध्यान रखोगे, अगर कोई एड मान लो 3 हफ्ते से या 1 महीने से चल रहा है, तो आपको पता है कि वो काफी टाइम से बिक रहा है, इसलिए वो एक्टिव है इतने टाइम से, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन, वो एक विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक बार आपको प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया, प्रोडक्ट का नाम पता लग गया आपको, ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट का नाम या उस नीश का नाम भी आप डाल सकते हो एड्स लाइब्रेरी के अंदर, नॉट जस्ट द पेज का नाम। उससे क्या होता है, आपको उस नीश के और आइटम्स दिखने लग जाते हैं, और उनके ऊपर आपका एक और लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स मिलने लग जाते हैं, और प्रोडक्ट्स मिलने लग जाते हैं। बाय द वे गाइस, इंडिया मार्ट अभी भी जिंदा है, इंडिया मार्ट को लेकर भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। आप किसी कीवर्ड को, किसी प्रोडक्ट को डाल सकते हैं इंडिया मार्ट के अंदर, वहां से आपको सप्लायर्स मिल सकते हैं,
सप्लायर से कैटलॉग मंगा सकते हो, कैटलॉग के बेस पे उनको पूछ सकते हो क्या क्या बिक रहा है आजकल, वो वाला टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपको प्रोडक्ट के नाम पता लगे कि ये सब बिक रहा है, फिर उसके बाद आप वो प्रोडक्ट को रोपोसो क्लाउड के अंदर ढूंढ सकते हो और उसको बेचना शुरू कर सकते हो। और टेंशन ना लो अगर वो प्रोडक्ट रोपोसो क्लाउड के अंदर नहीं है करेंटली, क्योंकि बहुत जल्दी आ भी जाएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जो अगला होता है ना वो क्लाउड ड्रिवन प्रोडक्ट रिसर्च होता है। क्लाउड ड्रिवन कैसे, रोपोसो क्लाउड के होम पेज के अंदर ना आपको बहुत टाइप ऑफ कलेक्शंस मिल जाएंगे। कैटेगरीज तो है ही है बहुत सारे, ठीक है, क्वर्की होम एसेंशियल से लेके वुमेन्स एथनिक से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सब कुछ ही कैटेगरीज तो है ही इनके पास, बट उसके अलावा जो एक्चुअल इनके जो कलेक्शंस बने होते हैं ना होम पेज के अंदर, उससे भी काफी आइडियाज लग जाते हैं। जैसे अगर आप न्यू अराइवल्स देख सकते हो, बेस्ट ऑफ कॉम्बोज है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ समर, बेस्ट ऑफ पर्सनल केयर, बेस्ट ऑफ ब्यूटी, किचन एक्सेसरीज, होम इम्प्रूवमेंट, कार एंड बाइक एक्सेसरीज, लाइक आप इन सारे कलेक्शंस के अंदर भी जा सकते हो। इनके अंदर ना ऐसा है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, और ऐसे मिलेंगे जो उतने सेल नहीं हो रहे, तो एक मिक्स एंड मैच सा होता है। जैसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स वाले कलेक्शन के अंदर अगर मैं हूँ ना, वहाँ पर मेरे को मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स तो दिखेंगे जो एक्चुअल विनर्स हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट मुझे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो हो सकता है प्रीवियस विनर्स थे, या हो सकता है वो प्रमोट कर रहे हैं कि वो बाकी ड्रॉपशिपर उनको एडवर्टाइज कर ले, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट बेसिकली आपको आइडियाज मिलने लग जाते हैं। देखो किसी भी कलेक्शन के अंदर आप जाओगे ना तो आपको आइडियाज मिलने लग जाएंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है। कई बार क्या होता है एक आंख लग जाती है और आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको देखते हैं। और एक और तरीका है प्रोडक्ट रिसर्च का, जो फाइनल तरीका है, वो है Amazon बेस्टसेलर्स देखना। Amazon बेस्टसेलर्स US के अंदर भी आपने चेक करना है, इंडिया के अंदर भी आपने चेक करना है। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ इंडिया वाले Amazon बेस्टसेलर्स के लिस्ट को देखते हैं, वो ना देखना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं बेस्टसेलर्स के, उन कैटेगरीज के अंदर जा के आपको बेस्टसेलर्स मिलते रहेंगे, वहां से आपको आइडियाज लगते रहेंगे कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है। Amazon US का भी सेम चीज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है जो प्रोडक्ट अभी इंडिया में बेस्ट बना नहीं होता वो Amazon US में ऑलरेडी बिक रहा होता है, तो हो सकता है कि आप वो वाला प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता करेंटली, आप सर्च कर रहे हो क्लाउड के ऊपर, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपल, आपने बेसिकली इनका रिक्वेस्ट अ प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, उसके अंदर प्रोडक्ट का फोटो, उसके बारे में लिख देना है डिटेल्स और उसको भेज देना है। और अगर आपको कैम असाइंड है कोई, उसको भी बता देना है कि ये वाला मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, तो वो उसको जितनी जल्दी हो सके सोर्स करेंगे। मेरे साथ एक्चुअली हुआ था, जो माइग्रेन हैट होता है ना, वो मैं अपने जो बिजेथन 9 वाले स्टोर पे टेस्ट करता US मार्केट में, मैं चाहता था वो इंडिया में बिके, और इंडिया में कोई बेच नहीं रहा था उसको, बट वो इंपोर्ट चाइना से होना था। तो मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट प्रोडक्ट वाले तरीके से मैंने उस प्रोडक्ट को बोला कि वो होना चाहिए। अभी करेंटली तो एटलीस्ट 2 लिस्टिंग्स हैं जो एक्चुअली माइग्रेन हैट सेल कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट प्रोडक्ट वाली चीज भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, काम करता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स को प्राइस कैसे करके करना है, तो उसको लेकर मैंने पूरे एक शीट बनाया जो आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस शीट को खोल के मेक अ कॉपी कर देना, बट आपको एक्सप्लेन करता हूँ शीट काम कैसे करता है। तो ये है बिजेथन 10 का प्राइसिंग कैलकुलेटर, तो बहुत ही सिंपल हमने रखा है इस चीज़ को। हमने, अगर आप देखोगे, एक एक्चुअल होता है, एक रेकमेंडेड होता है। रेकमेंडेड वाला डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज़ करता है, एंड उसमें क्या होता है, आप बस रोपोसो क्लाउड का प्राइस भरोगे और वो रेकमेंडेड सेलिंग प्राइस आपको बता देगा, ठीक है। तो इस पूरे कॉलम का, इस पूरी चीज़ का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप यहाँ पर क्लाउड का प्राइस डालोगे। जैसे ये वाला मल्टीपर्पज हुक्स है 156 का, तो हम 156 इसके अंदर डालेंगे, ये आपको बता देगा कि 599 का इस प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो अब ये जो रेकमेंड करेगा 100 के इंटरवल्स में बताएगा, तो और इस सजेस्टेड प्राइस होता है, ठीक है। अब अगर वो मान लो 699 बताता, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये ना मेरे को 620 का या 630 का बेटर लग रहा है प्राइसिंग करना, मैं ट्राई करना चाहता, बिल्कुल कीजिए, इसके अराउंड रखिए प्राइसिंग। ये जो रेकमेंडेड प्राइसिंग है, दिस इज जस्ट अ सजेशन, आप इसके आसपास रखिए, प्लस माइनस 10-15% के आसपास कर सकते हैं। और इस साइड पे जो है ना, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेटर है, इसमें आपने जो चीज़ें चेंज करनी है ना, सिर्फ जो ऑरेंज वाली चीज़ें हैं ना उनको चेंज करना है, जो ग्रे वाली चीज़ें उनको नहीं चेंज करना, क्योंकि जो आप कॉस्ट पर परचेज अगर आप 100 डालते हो ना, तो ये ऑटोमेटिक बदलते हैं, और RTO चार्जेस भी ऑटोमेटिक बदलते हैं। ये जो RTO चार्ज बन के आता है, ये कैलकुलेट करता है जो कितने डिलीवर हुए और कितने RTO हुए, जो RTO वाले चार्जेस हैं उनको हमने डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर अगर डालना है, तो टोटल कितना पर डिलीवर्ड ऑर्डर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। द होल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर कॉलम इज दैट हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर डिलीवर हो रहा है तो उसमें अपना प्रॉफिट कितना है। ये ऑल ऑर्डर्स के ऊपर प्रॉफिट नहीं है, ऐसे ना मान के चलो कि आपका हर ऑर्डर के ऊपर इतना प्रॉफिट होने वाला है। ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज कि आपके जो डिलीवर्ड ऑर्डर हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने 1000 ऑर्डर लेके उनमें से 500 डिलीवर हुए, उन 500 के ऊपर 500 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका नेट प्रॉफिट लॉस है, लाइक अगर यहां पर 200 है तो फिर आप मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट बन के आता है।
इसमें इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे फील्ड्स वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हमने एक्चुअल्स डालने हैं जो एक्चुअली होता है. जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, मान लो हमें बाद में पता लगता है हमारा आरटीओ परसेंटेज 35 था, कैंसिलेशन परसेंटेज 5 था, जीएसटी 18 ही है, फिर उसके बाद कॉस्ट पर परचेज हमारा मान लो 112 बन के आता है, रोपोसो क्लाउड का प्राइस मान लो 450 है और हम बेच रहे हैं 899 का, ठीक है. तो इसमें हमारा बन के आ गया टोटल 193 नेट प्रॉफिट लॉस पर डिलीवर्ड ऑर्डर. इस कैलकुलेटर को यूज करके आपको अपने एक्चुअल बिजनेस में जो आपका चल रहा है वो आपको क्लियर आइडिया रहेगा, साथ में जो आपने नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं उसमें से क्या आपको प्राइसिंग रखनी है वो भी पता लग जाएगा. ये वाला जो फील्ड है यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन, ये नेट जीएसटी कैलकुलेशन वगैरह करके फिर उसके बाद वो नेट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, इसको भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है. तो इसमें सारे खर्चे आपके इंक्लूडेड हो जाते हैं. तो इस कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे जा सकते हैं, मैंने लिंक डाला होगा प्राइसिंग कैलकुलेटर बिजनेस 10 का लिंक. आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, जब वो फाइल खुलेगा और मेक अ कॉपी करना है. अगर आप यहाँ पर शेयर रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे वो हम अप्रूव नहीं करने वाले. मेक अ कॉपी जब आप करोगे तो फिर उसके बाद वो आपके गूगल ड्राइव में इसी का कॉपी बना देगा, उसको आप एडिट कर पाओगे. तो अब आपको पता लगे आपने प्रोडक्ट्स को प्राइस कैसे करना है. अब आपने जो प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किए हैं ना, तो वो आपने क्लाउड से अपने स्टोर पे इंपोर्ट कर देना है. प्रोडक्ट को सर्च करना है या फिर कलेक्शन से प्रोडक्ट को ढूंढना है, वहां से आपने प्रोडक्ट पेज को ओपन करना है और उस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है अपने स्टोर के अंदर. अभी के लिए आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, इमेजेस, उन सब चीजों को लेके अभी के लिए काम नहीं करोगे. अभी सिर्फ आपने वो जो शॉर्टलिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने स्टोर के ऊपर पुश कर देना. एक बार आपके मान लो आपने 12 प्रोडक्ट या 15 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए, उन 15 प्रोडक्ट को लेके ना आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है रोपोसो क्लाउड के ऊपर फॉर दोस प्रोडक्ट्स. तो जो प्राइस रखना प्रोडक्ट का वो रोपोसो क्लाउड पे जो प्राइस है उससे 1 रुपए ज्यादा रख लेना, ठीक है, अपने स्टोर के ऊपर, जिससे आप उन सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सको अपने स्टोर से एंड एक चेकआउट करना जिसमें ऐड कर देना सारे प्रोडक्ट्स को कार्ट पे और अपने एड्रेस पे मंगवा लेना. हम ये क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, हम लोगों को ना जो सप्लायर कितने टाइम में डिलीवर करता है, कैसे पैकेजिंग में आता है सामान, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है, वो सारा कुछ हमको पता लग जाता है. तो हम लोग भी तो फिर कॉन्फिडेंट होकर फिर सेल कर पाएंगे ना सामान को. अगर हमने प्रोडक्ट को देखा है, नापा है, झांका है, तो अभी हम बोल पाएंगे हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है. प्लस क्या होता है, उस सैंपल को यूज करके आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी आगे कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ. वीडियोस बनानी है प्रोडक्ट को लेके, वो सब भी तो तभी हो पाएगा ना अगर हमारे हाथ में वो प्रोडक्ट है. तो जाओ सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगवाओ. तो गाइज ये प्रोडक्ट्स देखो जरा, प्रोडक्ट्स को अगर आप देखोगे ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, प्लास्टिक के हैं, कुछ मेटल के हैं, कुछ डब्बियां हैं. मैं जब टीम से बात कर रहा था ना तो फिर ना वो कहते हैं सर ये प्रोडक्ट्स मतलब हम लोगों को पता नहीं लग रहा कि मतलब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या है ये, ठीक है. तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल देता हूँ, बोला कि ये प्रोडक्ट सुंदर लग रहा है ना देखने में, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम प्रोडक्ट है, बट क्योंकि वो ऐसे पड़ा हुआ है अंदर इसकी वजह से प्रोडक्ट अजीब लग रहा है देखने में. तो ये हमारा काम है एज मार्केटर्स प्रोडक्ट को सुंदर लगाना. तो इसी की वजह से मैं आपको सिखाना चाहता हूं हाउ टू डू प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जिससे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से दिखा पाए. एंड रिप्रेजेंट कैसे करोगे प्रोडक्ट्स को, जैसे मैकडॉनल्ड्स में अगर जाते हो, ठीक है, वहां पर मकालो टिक्की का मील खाना चाहते हो, उसके अंदर फ्राइज होते हैं, कोक होते हैं और मकालो टिक्की होते हैं. ओ भाई साहब क्या फोटो होती है, एकदम पफी पफी सा ब्रेड होगा, जो आपकी टिक्की होगी मोटी होगी, उसके अंदर सॉस वॉस बहुत मस्त तरीके से होगा, एकदम परफेक्ट प्लेस्ड आपके अनियंस होंगे, उसके साथ में जो फ्राइज होंगे वो ऐसा लगेगा कि खत्म अनएंडिंग फ्राइज है, इतने सारे फ्राइज है वहां पे, और साथ में कोक भी बहुत ह्यूज लगते थे, पूरा मील ऐसा लगता है कि फोटो देख के पेट गया. That is marketing. Product जो actually मिलता है आपको वो चाहे exactly वैसा ना हो. Contents will be the same, क्योंकि वही same burger है, वही same fries है, वही same वो है. But उसको सजा के दिखाया जाता है. जब हम शादी करते हैं, शादी में जब हम रेडी होके आते हैं तो हम सबसे अच्छे लगते हैं अपने, क्योंकि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं व्हाट वी आर एट आर बेस्ट. बट वी एज मार्केटर्स यार, हम ड्रॉपशिपर्स और क्या है बताओ. हम लोगों को अगर इन्वेंटरी नहीं रखना, शिपिंग नहीं करना, सप्लायर से बात नहीं करना, हमें अगर सिर्फ मार्केटिंग ही तो करना है ड्रॉपशिपिंग में, तो मार्केटिंग तो ढंग से करेंगे. अगर मान लो एक ही प्रोडक्ट है जो 10 ड्रॉपशिपर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक क्या चलता था ना, सब लोग वही सेम फोटोज उठाते थे क्लाउड से, या फिर वो लोग क्या करते थे, कभी Amazon से फोटो उठा लिया, कुछ और उठा लिया. मैं कह रहा हूं देखो, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं हाउ टू बी यूनिक, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ना जो आपकी फोटोग्राफी है वो आपकी है और किसी और की नहीं है, ठीक है. जो आपके वीडियोस और क्रिएटिव्स और एड्स और इमेजेस और सब कुछ जो आप यूज कर रहे हो अपने एडवर्टाइजिंग के लिए क्रिएटिव्स की तरफ से, वो भी आपके खुद के हैं, वो किसी और के नहीं है, वो हमने खुद शूट किए हैं.
यूनिक होना ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। और तब क्या होता है ना, चाहे एक ही प्रोडक्ट हो और चाहे 10 स्टोर्स वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सबकी अगर अपनी अपनी फोटोग्राफी है, सबके अपने अपने अगर वीडियोस और इमेजेस चल रहे हैं एड्स के अंदर भी, सब चीज अगर डिफरेंट है ना, तो प्रोडक्ट सैचुरेशन भी बहुत टाइम बाद होता है। हर बंदा यूनिकली अपने तरीके से उसको सेल कर रहा है, तो वो एक यूनिक फैक्टर हो जाता है। तो कस्टमर्स को भी ऐसा ही लगता है कि ये तो सेम चीज़ है, सब जगह मेरे को यही चीज़ दिख रही है। कस्टमर्स को भी लगता है कि अच्छा ये डिफरेंट स्टोर होगा क्योंकि फोटो तो डिफरेंट है थोड़ा, है ना। तुमको भी अच्छा लगता है कि तुमने एज अ मार्केटर एफर्ट मारा इनटू क्रिएटिंग समथिंग यूनिक जो आपका खुद का है। तो गाइज अब से प्रण ले लो, बिजथॉन 10 के बाद से जितने भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी वो आप खुद करोगे, जितने भी वीडियोस और फोटोज आपने अगर एडवर्टाइज करनी है, कैरोसेल एड्स चलाने, वीडियो एड्स चलाने, इमेज एड्स चलाने, स्टोरीज एड्स चलाने, कोई भी एड्स चलाने, उन सब के अंदर जो क्रिएटिव्स होंगे वो आपके फोन से शॉट होंगे, आपके कैमरा से शॉट होंगे, क्योंकि करना उतना मुश्किल नहीं है और मैं आपको अभी सिखाऊंगा। प्रोडक्ट फोटोग्राफी हम एकदम सिंपल रखेंगे। देखो एक तो होता है कि एकदम ही पता लग रहा है कि बहुत ही एडिटिंग हुई है, बहुत फोटोशॉप किया गया है, बहुत ही सुंदरता तरीके से किया है, कई तो एकदम 3D मॉकअप्स होते हैं। अपने को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने, अपने को सिंपल प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, क्लीन होना चाहिए एकदम, जो प्रोडक्ट है दैट इज द स्टार ऑफ द फोटो वो एकदम ढंग से हाईलाइट होना चाहिए और नॉइज वगैरह ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे अगर आपका प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है और बैकग्राउंड में काफी सारे सराउंडिंग्स वगैरह हैं, बट मान लो पेड़ वेड़ हैं, फूल पत्ते हैं, बहुत कुछ है और आपका प्रोडक्ट है मान लो छोटा सा शीशी वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट ही स्टार ऑफ द फोटो है और बैकग्राउंड जो है वो सारा ब्लर्ड है, अगर बैकग्राउंड है भी, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड आप रख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्लोर के ऊपर रखा है या फिर किसी टेबल के ऊपर रखा है सामान, उसका फोटो ले रहे हो, तो वो भी एकदम प्लेन होना चाहिए। हमारे पास जैसे वुडन टाइप का एक डेस्क है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये वाला जो चप्पल होता है ना, इसको मैंने रख दिया, एंड मैं क्या करूंगा, ऐसे करके फोटो ले लूंगा इसका। तो देखो एक मेरे पास ऐसा फोटो आ गया एकदम ही क्लीन सा शॉट, एक डिफरेंट एंगल से एक मेरे पास ऐसा फोटो आ गया जो आपको दिख रहा होगा मेरे पाँव वाँव है, बट वो सब मेरा क्रॉप होगा, मेरा एक्चुअल जो फोटो होगा वो ऐसे बन के आएगा, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट पूरा एकदम क्लियरली दिख रहा है, लाइटिंग एकदम ऐसा है कि मेरे को प्रोडक्ट दिख रहा है एकदम। अगर आपको लगता है कि इंटीरियर्स में लाइटिंग बहुत कम है तो आप बाहर जाके भी ये सब शूट्स कर सकते हैं। तो आपको अगला टाइप का शॉट बताता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी प्लेन वाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी वाइट दीवार है ना, तो व्हाइट दीवार के साथ आपको मान लो व्हाइट कलर का आपने वो जो पेपर नहीं होता A4 साइज पेपर रख दिया, तो ये रखने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप बेसिकली मेक श्योर करें लाइटिंग ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट वगैरह है उसको यहाँ पर रख दिया और फिर उसको हमने अच्छे से अलाइन कर दिया जिससे ये वाला प्रोडक्ट एकदम स्ट्रेट सा हो, एंड इसका हमने ले लिया फोटो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको 1 भी करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे टाइप का भी करते हैं, थोड़ा क्लोज आते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये वाला जो मैंने शॉट लिया है ना, इसमें लाइटिंग थोड़ा कम था, ठीक है, लेकिन ऐसे करके है। अब आप बोलोगे सर इसमें ये वाला दीवार जो गंदगी है वो सारा कुछ आ रहा है। देखो ऐसा है कि ये जब हम फोटो को काटेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर एडिट करेंगे कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को हटा सकते हो और थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह फोटो का बढ़ा सकते हो, फोटो के फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो और उसके अराउंड आप चीजें रख सकते हो। जैसे ये वाला ये प्रोडक्ट है कोई नेल्स को लेके है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैनवा में इसका बैकग्राउंड वगैरह हटा के सिर्फ ये इसको स्टार ऑफ द शो बना सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम बाकी प्रॉप्स वगैरह डिजिटली भी ऐड कर सकते हैं, मान लो हमने कुछ एक फीट का फोटो आ गया साथ में इसके जो साइड से निकला हुआ, मतलब कुछ और ऐड कर सकते हैं जिससे फोटो और ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाए, ठीक है। क्या है यार ये वाइट दीवार, वाइट मतलब अपने सीधा डेस्क के ऊपर प्रोडक्ट रखा या फिर कोई भी बैकड्रॉप चूज कर लिया जिसमें नॉइज नहीं, उसका फोटो ले लिया, तो ऐसे करके लेना बहुत ईजी है। आपको बस प्रोडक्ट आपके पास मंगवाना है और इस फोटोशूट करना है, ठीक है, और ये आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप करना शुरू करोगे ना, आप रियलाइज करो, जैसे ये वाले जो शॉट्स आपको बताता हूँ, मेरे को बस सोचना पड़ा 2 मिनट के लिए कि इसको मैं कहाँ पर रखूँ, इसको मैं कहाँ रखूँ, फोटो ले लिया, खत्म होगी बात। एडिटिंग में भी 2 मिनट ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, कई फोटोज को तो एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे खींचा है अगर लाइटिंग वाइटिंग सब अच्छी है तो उसको सीधा ही उसको स्क्वायर क्रॉप करके उसको अपलोड कर दिया अपने शॉपिफाई के ऊपर। अच्छा गाइज मैं आपको बता दूं, एपिसोड 2 शूट करते हुए ना एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, हमारे जो ईकॉम टावर कम्युनिटी है उसके डुप्लेक्स और पेंटहाउस मेंबर्स है ना, जो लोग रोपोसो क्लाउड यूज कर रहे हैं काफी टाइम से, तो उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं डिलीवरी को लेके, एंड पैकेजेस जैसे डिलीवर नहीं हो रहे हैं, विनिंग प्रोडक्ट शेयर हो रहे हैं, अपने जो कैम्स वगैरह होते हैं असाइन जो आपके वो अकाउंट मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनको लेके दिक्कतें, एंड विनिंग प्रोडक्ट्स किसको बताए जा रहे हैं, कैसे बताया जा रहा है उसको लेके दिक्कतें, कितना शेयर हो रहा है कंटेंट, प्राइवेसी के इश्यूज, ओवरऑल सपोर्ट इश्यूज को लेके काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की। हमने क्लाउड की टीम में से एक रिप्रेजेंटेटिव को उस कॉल पर लेकर आए थे जहाँ पर ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने सब कुछ सुना
जो मुझे बुरा लगा, मेरे को बुरा लगा कि यार कि इतने सारे इश्यूज अभी भी हैं, क्योंकि काफी महीनों से एक्टिव है ये प्लेटफॉर्म और फिर भी इश्यूज है। जो मुझे अच्छा लगा इवेंचुअली वो ये लगा कि उन्होंने बोला कि सर हम आपके सारे फीडबैक ले लिए, हमने एक लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बना लिया कि ये चीजों के ऊपर काम करना है आपको, और जब तक आप करोगे तब तक अपन पॉज पे रखेंगे। तो एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो हमने बहुत ही स्लो डाउन सा करके पूरे एक तरीके से पॉज पे रख दिया। तो आप देखोगे काफी सारे जो कट्स होते हैं, मेरे कपड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो पहले के शॉट हैं, वो अब फिर से रिज्यूम बैक हो रहा है वैसे करके। फिर मैं वेट किया और देखा ये लोग एक्चुअली एक्शन लेंगे कि नहीं। तो मेरी रेगुलर कम्युनिकेशन होता रहता था उनसे, वो मेरे को बताते रहते थे आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, ये फीचर्स आपके इंप्लीमेंट हुए हैं इन इन फीचर्स में और इन इन चीज़ों के, इन इन पॉलिसी चेंजेस में डिस्कशन हो रही है टीम के साथ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताया। तो अब मैं जो रिज्यूम कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखा कि कई पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने चेक मार्क किया है और उन्होंने एक्चुअली फॉलो थ्रू किया है। इनका जो मेजर जो फीचर इंप्रूवमेंट करना था वो एक टिकटिंग सिस्टम और रिपोर्टिंग सिस्टम, जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अभी आई एम होपिंग बाय द एंड ऑफ द बिजेथन ये एग्जिस्ट करेगा और प्लेटफॉर्म के अंदर दिखेगा, और फिर आप लोगों को भी दिख जाएगा कि यार ओवर टाइम कैसे करके एक प्लेटफॉर्म बनता है। देखो यार प्लेटफॉर्म कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाया जाता है। तो हम लोग को जो भी दिक्कतें होंगी हम रिपोर्ट करेंगे, हम आगे बताएंगे। मुझे इतना पता है कि यार हम सबको एक ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत है क्योंकि इन्वेंटरी मॉडल सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको रैपिडली स्केल करना है कोई चीज़ और आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास लोकेशन नहीं है, तो आपको ड्रॉपशिपिंग एक बहुत अच्छा और बहुत ही वायबल बिजनेस मॉडल बन जाता है। तो ऐसे कि यार दे आर विलिंग टू लिसन, तो हम देखते हैं कि ओवर द बिजेथन भी, क्योंकि ये मैं शूट कर एपिसोड 2 के दौरान, अब मैं देखता हूँ कि ओवर द नेक्स्ट सेवरल वीक्स वो और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करके लेके आते हैं और वो हमारी कितनी बात सुनते हैं, और फ्यूचर में भी आएंगी यार दिक्कतें। ये भी ध्यान रखना प्लेटफॉर्म है एक तो, और इतने सारे ऑर्डर शिप आउट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें किसी न किसी को आएंगी। जस्ट आपका काम है रिपोर्ट करना दिक्कतों को जिससे वो रिजॉल्व हो जाए, और अगर कोई मेजर इश्यूज हैं या मेजर फीचर रिक्वेस्ट हैं वो मुझे बता ईकॉम टावर के अंदर आके, मैं उनको जाके बताऊंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये होना चाहिए प्लेटफॉर्म के अंदर। जो मुझे अच्छा लगा पूरे एपिसोड के बाद कि यार वो लोग सुन रहे हैं, वो लोग हमारे फीडबैक सेशंस ले रहे हैं और उसको एक्चुअली जाके इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज ऑसम। अच्छा गाइस, अब आपको प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं पूरा का पूरा नॉलेज हो गया ना, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एड्स कैसे बनाने हैं गाइस। तो आपको मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा, खुद के अपने एड्स बना के दिखाऊंगा आपके सामने। बहुत ही मस्त एपिसोड होने वाले, एपिसोड 3 डेफिनेटली ना मिस करना, वो अगला सीरीज में।